दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें टेक्निकल यू को, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं ही योगेश, मैं आज आपके लाया हूँ जो कि जियो का रजिस्ट्रेशन फ़ोन बुक प्रोसेस अब बंद हो गया है। तो अब बंद हो गया है, आपने बुक कर लिया है, उसके आगे क्या, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने जियो फ़ोन बुक किया है, आपको कोई मैसेज नहीं आया है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, अगर आपको कोई मैसेज नहीं आया है, आपका कोई ट्रांजेक्शन आईडी या कुछ भी आपको मिला नहीं है, तो आपको दोस्तों पहले तो फर्स्ट थिंग आपको करना ये है कि आपके फ़ोन में जाओ और डायलर पैड ओपन करो, एक कॉल लगाओ, जो नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, और उसकी लिंक कैसे करना है उसका नेक्स्ट प्रोसीजर भी बता देता हूँ। आपको मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको फर्स्ट थिंग क्या करना है, यहाँ पर जाना है जो कि 1800988890, उसके बाद में 8900, ये नंबर आपको डायल करना है। तो देखिए डायल करने के बाद क्या होता है, तो मैं आपको सुनाता हूँ क्या कहता है वो। तो ये देखिए हमने डायल कर लिया, तो ये देखिए यहाँ पर लैंग्वेज चूज करें, ये देखिए यहाँ पर एक दबाना है आपको। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरीके से आपको कॉल करने के बाद, ये मैंने जो प्रोसीजर बताया कुछ ऐसा करना है आपको। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक SMS आएगा, उसमें बताया जाएगा कि आपका फ़ोन बुक हुआ है या नहीं, और आपको कौन सा स्टोर मिला है जो कि आपके पिन कोड के एरिया में जो स्टोर आता है, उस स्टोर का डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये कॉल करने के बाद। तो अभी हमें एक SMS आएगा, उस SMS में अब हमें बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो देखिए कुछ इस तरीके का SMS होगा, ये देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अरे क्या SMS, ये देखिए कुछ इस तरीके का SMS है, यू हैव फॉलोइंग जियो फोन बुक वाउचर अवेलेबल ऑन, ये देखिए हमने एक वाउचर बुक किया है, पिन कोड बता रहा है यहाँ पर एरिया, और जो स्टोर डिटेल्स है यहाँ पर नल बता रहा है। ये थोड़े 1-2 दिन 3-4 दिन में यहाँ पर स्टोर डिटेल्स आएगा, और जो स्टोर आता है आपके एरिया में उसके तरफ जाकर आप ये बुक कर लिए, अपना फ़ोन लेकर आइए। तो ठीक है, यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा आपने फ़ोन बुक किया है या नहीं। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ मैं आपको। अगर फिर भी आपको अगर माई जियो में देखना है कैसे करते, तो हम जाते हैं, एक काम करिए आप, अगर आपने जियो के नंबर से बुक किया है तो माई जियो में जाइए। माई जियो में जाने के बाद आपको करना ये है, माई जियो में जाने के बाद यहाँ पर मैनेज फ़ोन ऑप्शन आएगा, अगर आपने जियो का नंबर डाला है बुक करते वक्त, तो यहाँ पर देखिए हमें एक ऑप्शन शो होगा, ये देखिए मैनेज बुकिंग, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से है, ये देखिए ओपन हो रहा है। अगर जियो का नंबर से आपने बुक किया है तो यहाँ पर वो शो होगा, तो देखिए यहाँ पर शो होगा। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आपने दूसरे किसी नंबर से साइन इन किया है, अगर विदाउट जियो का है, तो आपको कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पर आपको जो अदर ऑपरेटर के नंबर से आपने जियो फ़ोन बुक किया है तो उसका नंबर यहाँ पर डालना है सिंपली। उसके बाद में OTP जनरेट करना है, आपको एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि उसने जो यहाँ पर आपने मोबाइल बुक किया है या नहीं, यहाँ पर सारी डिटेल शो होगी। अगर आप जियो यूज़र हैं तो जियो यूज़र के लिए बताता हूँ मैं आपको, माई जियो में चले जाइए। माई जियो में जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली साइन इन कर देना है, ये ऑटोमेटिक साइन इन हो जाएगा। उसके बाद में आपको जाना है यहाँ पर माई वाउचर में, ये देखिए यहाँ पर माई वाउचर है, माई वाउचर में जाने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ये देखिए माई वाउचर ओपन हो रहा है, माई वाउचर ओपन हो गया, हो जाएगा एक मिनट, देखिए माई वाउचर ओपन हो रहा है। उसमें फर्स्ट वाउचर में व्यू में आपको आपने जो फ़ोन बुक किया है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर व्यू में मुझे दिख रहा है जियो फोन इंडिया का स्मार्टफोन बुकिंग वाउचर क्वांटिटी 1। इसके बाद या ये जो जियो फोन हमने बुक किया है इसे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो दूसरे किसी पिन कोड के साथ, अगर आपने कोई सिटी लोकेशन या स्टेट चेंज करना है तो आप यहाँ से उसे चेंज भी कर सकते हैं।
तो उसके बाद में अगर माई जियो ऐप में अगर आपको अदर ऑपरेटर का नंबर है, अगर नंबर डालने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद में एक लिंक मैंने ऐप से निकाल रखी है, जो लिंक आपको गूगल क्रोम में डालना है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करना है। तो ये देखिए, क्रोम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें डालना है जो कि जो मैंने लिंक ले रखा हूँ उसे लिंक को यहाँ पर डाल देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से होगा। नहीं यार, ये लिंक तो दूसरी वाली है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। मैं सेव करके रखा हूँ। उसके बाद में ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, तो वहाँ से लिंक ले लीजिए। ये देखिए, ये लिंक है, वो से हम कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल कॉपी, यहाँ पर क्रोम में पेस्ट कर देते हैं। ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया। देखिए, लिंक ओपन हो रही है। ये लिंक ओपन होने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में पिन जनरेट करना है, ओटीपी डालना है। ये देखिए, यहाँ पर ओटीपी डालना है। उसके बाद में आपको एसएमएस कंफर्मेशन भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी शो करेगा। तो ठीक है, तो जल्द से जल्द दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस हमारे चैनल पे जल्द ही जल्द अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जितने जल्द हो सके उतने जल्द। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलो। और इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले। ओके, थैंक यू, बाय बाय।